भोजपुरी फिल्मों की पहचान दो वजहों से मानी जाती है, पहली देसी और रॉ एक्शन और दूसरा हॉट एंड सेक्सी सॉन्ग्स। तो देसी रॉ एक्शन के लिए तो वहाँ के एक्टर्स काफ़ी हैं, बट देसी और हॉट और सेक्सी सॉन्ग्स भोजपुरी करने के लिए वहाँ की एक्ट्रेसेस को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। काफ़ी हद तक साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस की तरह मोटी होती हैं और अपने क्लीवेज और नेवल शो के जरिए ऑडियंस को थिएटर तक लेकर आती हैं। अब इनकी पहचान और इनका लाइमलाइट में रहना इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अभी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को भी बीट करती हैं। काफ़ी हद तक लाइमलाइट में रहती हैं, भोजपुरी फिल्मों के अलावा बहुत सारे रीजनल शोज में, टीवी शोज में भी दिखाई देती हैं। अब भोजपुरी फिल्मों की जो एक्ट्रेसेस हैं उनकी कमाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, फिर चाहे आम्रपली दुबे हों या मोनालिसा हों या पाखी हेगड़े हों या अक्षरा सिंह हों, हर एक्ट्रेस अच्छी खासी मोटी फीस वसूल रही है। तो आइए जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में किस एक्ट्रेस की कमाई कितनी है। सबसे पहले बात करते हैं मोनालिसा की। मोनालिसा अपने बोल्ड अवतार के लिए भोजपुरी सिनेमा में मशहूर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक मूवी के लिए 15 से 20 लाख रुपए के करीब चार्ज करती हैं। मोनालिसा बिग बॉस 10 में पार्टिसिपेट भी कर चुकी हैं। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड और एक्टर विक्रांत सिंह राजपूत से शादी की थी। बता दें कि उन्होंने अजय देवगन की मूवी ब्लैकमेल में भी काम किया है। हिंदी में कई सीक्रेट फिल्म में काम कर चुकी हैं और बंगाली एक्ट्रेस हैं बेसिकली, बट भोजपुरी में आज बहुत बड़ी स्टार बन चुकी हैं। नंबर दो पर आता है आम्रपली दुबे का नाम। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम्रपली दुबे इस वक्त भोजपुरी की सबसे महंगी एक्ट्रेस हैं। आम्रपाली ने भोजपुरी फिल्म जगत को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। आम्रपाली एक मूवी के लिए करीब 35 से 30 लाख रुपये चार्ज करती हैं। 2014 में इन्होंने भोजपुरी फिल्मों में डेब्यू किया था, उस मूवी का नाम था निरहुआ हिंदुस्तानी। तब से लेकर आज तक उनका सितारा पूरी तरह से जगमगा रहा है। अब नाम आता है अक्षरा सिंह का। अक्षरा सिंह के फिल्म करियर की शुरुआत रवि किशन की मूवी सत्यमेव जयते से हुई थी। अक्षरा ने अपने अभिनय की शुरुआत जी टीवी के सीरियल काला टीका से की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक्षरा हर मूवी के लिए 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करती हैं। हालांकि वो बीच में एक्टिंग के लिए कम पवन सिंह के साथ अपने अफेयर के लिए ज़्यादा पॉपुलर रही थी और इन दोनों का अफेयर काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मीडिया में तमाशा बन गया था। पराला मूवी पर ज़्यादा फोकस करती हैं और उनकी जोड़ी निरहुआ के साथ बहुत जमती है। अब नाम आता रानी चटर्जी का। रानी चटर्जी साल 2014 में मनोज तिवारी के साथ ससुरा बड़ा पैसा वाला मूवी में हीरोइन के रूप में सामने आई थी। मूवी बहुत बड़ी हिट हुई थी और रानी चटर्जी को रातों रात पहचान मिल गई थी। वो एक मूवी के लिए 20 से 25 लाख रुपये चार्ज करती हैं। रानी अब तक 200 से ज़्यादा भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। आजकल वेब सीरीज में हॉट सीन्स के लिए चर्चा में रहती हैं। रानी चटर्जी के बाद नाम आता है काजल राघवानी का। काजल राघवानी एक मूवी के लिए 20 से 25 लाख रुपये बतौर फीस लेती हैं। 16 साल की उम्र में काजल को गुजराती मूवी में काम करने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने 2013 में भोजपुरी मूवी रिहाई से डेब्यू किया था। उसके बाद कहते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री। तो भोजपुरी फिल्मों की जो हीरोइनें हैं वो बॉलीवुड की हीरोइनों से कम नहीं है। फीस भले करोड़ों की बजाय लाखों में लेती हैं, पर उनकी फैन फॉलोइंग बहुत हद तक नॉर्थ इंडिया में छाई रहती है। कई हीरोइनों से ज़्यादा पॉपुलर हैं और वहाँ की मॉरिशस दुबई में तो भोजपुरी फिल्मों की एक अलग ही पकड़ है। तो कहीं ना कहीं जितना भोजपुरी एक्ट्रेस अपने चार्म्स के लिए जाने जाते हैं, भोजपुरी एक्ट्रेसेस भी अपने हॉट फिगर, अपने देसी गानों और अपने सेक्सी आइटम सॉन्ग के लिए बहुत पॉपुलर मानी जाती हैं। तो दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।